everyone. I, Manoj Mishra, welcome you all on my YouTube channel. चलिए आज हम लोग जानते हैं लैंग्वेज क्या होता है. लैंग्वेज लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग आवर थॉट्स. अरे भैया, लैंग्वेज वो माध्यम होता है जिससे हम दूसरों से बात करते हैं, दूसरों तक अपनी फीलिंग्स को, आइडियाज को पहुंचाते हैं और दूसरे के फीलिंग्स को समझते हैं. देयर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मैथिली, इटीसी. इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आप चाहते हो कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज बेहतर हो, देन यू हैव टू मार्क सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर सच एज पार्ट्स ऑफ स्पीच. चलिए आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंट्रोडक्शन को जानते हैं. मैं अपने वीडियोस में हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के विस्तृत जानकारी को दूंगा. लेट अस सी, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर. पहला नाउन है. व्हाट इज नाउन? एनीथिंग दैट वी कैन सी, दैट वी कैन टच एंड दैट वी कैन फील, वो सब नाउन है. आइए देखते हैं. It denotes the names of person, places, things, animals and feelings. ये noun होता है, जैसे cow, goat, Darbhanga, Patna, Delhi, temple, etc. Pronoun. ये क्या करता है? It replaces a noun. ये noun के बदले में लगता है pronoun. जैसे he, she, it, you, they, etc. हम लोग अक्सर प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं नाउंस को रिप्लेस करने के लिए. ओके, नाउ एडजेक्टिव. इट क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन. ये एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है. जैसे टॉल, बिग, फैट. हम कहते हैं राम इज अ फैट बॉय. तो भैया राम एक लड़का है. लड़का क्या है? नाउन है. और कैसा लड़का है? तो मोटा लड़का है. राम इज अ फैट बॉय. तो फैट क्या है? एडजेक्टिव है. Now, verb, it denotes doing or being. Verb क्या करता है? किसी काम के करने अथवा होने का बोध करवाता है. जैसे I go to market, मैं बाजार जाता हूं. तो जाना क्या है? क्रिया है. Okay, now adverb, it qualifies an adjective, verb and another adverbs. ये क्या करता है? Adverb एडजेक्टिव को, वर्ब को और दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई या उसकी विशेषता बतलाता है. जैसे आई राइट स्लोली, मैं लिखता हूं. तो लिखना क्या है? क्रिया है. और मैं कैसे लिखता हूं? तो स्लोली, धीरे धीरे लिखता हूं भाई. तो स्लोली क्या हुआ? एडवर्ब हुआ. देयर आफ्टर हम लोग बात करेंगे प्रीपोजिशन की. प्रीपोजिशन टेक्स प्लेस before a noun or pronoun in a sentence and relates that noun and pronoun with some other words of the sentence. Noun pronoun ke pehle lagta hai, jaise there is a book on the table. To the table noun hai, uske pehle on laga hai aur table ka sambandh ye pustak yani ki book se batlata hai. To on kya hai? Preposition hai. Thereafter conjunction, it connects words, phrases and sentences. ये अलग अलग शब्दों को, वाक्यों को, वाखंडों को जोड़ता है. जैसे राम इज अ फैट बॉय बट श्याम इज अ थिन बॉय. यहां पर हमने दो वाक्यों को जोड़ा बट के माध्यम से. तो बट क्या है? कंजंक्शन है. और इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या काम करता है भाई? ये हमारे इमोशंस को, फीलिंग्स को बतलाता है. जैसे हमें कहीं चोट लगता है तो हम कहते हैं ओह, आउच. या बहुत बड़ी खुशी मिलती है तो हम कहते हैं वाव, हुर्रा, इटीसी. तो दीज आर इंटरजेक्शंस. सो इन दिस वे यू हैड ब्रीफ आइडियाज ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच. वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो. अगले वीडियो में मैं आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी दूंगा. टिल देन, have a nice time.